एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कप गर्म पानी। और ये ले लिया मैंने पानी, और चलिए बैठते हैं और बैठ के आराम से पीते हैं। और सिप सिप करके पीना है, और इसके साथ मुझे लेना है एक चम्मच वेट लॉस चूर्ण। तो चलिए, और पानी को थोड़ा सा हम ठंडा भी हो जाने देंगे। सो गाइस, चलिए और बैठ के आराम से पीते हैं, क्योंकि कभी भी ना सुबह सुबह गरम पानी खड़े खड़े हमें नहीं पीना चाहिए, बहुत ही आराम से सिप सिप करके पीना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंड लगा दिया मैंने, क्योंकि मुझे चूरन भी खाना था, है ना। सो ये रही मेरी वेट लॉस चूरन, जो कि हमें खाली पेट लेना होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ ये चूरन की रेसिपी और सब कुछ शेयर करी है। पहले ही चूरन खा लेते हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से बातें करूँगी। ठीक है, तो ये रही मेरी एक कप, एक चम्मच वेट लॉस चूरन। तो फाइनली मैंने अपना वेट लॉस चूर्ण ले लिया। ठीक है, और सुबह सुबह खाली पेट इस वेट लॉस चूर्ण को लेने से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। एक लोग ने कमेंट किया था मुझे कि क्या ये सच में वर्क करता है, तो हाँ डियर, सच में वर्क करता है। क्योंकि मेरी वीडियो में आप रेगुलर देखते हो कि मैं ये सारी चीज़ों का सेवन करती हूँ बराबर। वेट लॉस चूर्ण, वेट लॉस ड्रिंक, जो भी चीज़ें आप लोग को बताती हूँ मैं खुद लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बताती हूँ। ठीक है, और आज फिर से सुबह की शुरुआत हो गई है फ्रेंड्स, और सुबह के बज रहे हैं अभी 7, सोने में पता नहीं क्यों लेट हो जा रहा है। और अभी जो ठंडा ठंडा मौसम सुबह में कर रहा है ना, तो थोड़ा आलस भी आ जा रहा है जगने में। और बाबू का आज दूसरे दिन है स्कूल का, और बाबू अभी छोटा है तो उसकी सारी तैयारियाँ मुझे करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मैं अभी वीडियो नहीं शूट कर पाऊंगी। और जा रही हूँ पहले फटाफट उसके लिए कुछ लंच देखती हूँ, रखूंगी, और फिर मैं उसको स्कूल छोड़ने जाऊँगी और सीधा आपसे मिलूंगी उसको स्कूल छोड़ के आने के बाद। ठीक है, तो चलो सुबह की शुरुआत हो गई है। और सुबह में बिल्कुल भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए नहीं बनाती हूँ। ये थोड़ा बड़ा होता, अपनी चीज़ों को खुद से करता, तो मैं और भी वीडियो बना लेती, लेकिन अभी वो इतना छोटा है कि अभी उसको जगाई भी नहीं हूँ मैं, अभी वो जगा भी नहीं है। तो मैंने सोचा पहले आप लोग से बातें कर लेती हूँ, और गर्म पानी चूरन ये सारी चीज़ें आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ, फिर आगे की वीडियो बताऊंगी। तो चलो फ्रेंड्स, मैं जाती हूँ अपने काम में लगने के लिए। बाबू को भी मुझे जगाना है, उसका टिफिन पैक करना है, और फिर मुझे उसको स्कूल छोड़ने जाना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं अभी मिलूंगी। ठीक है, अभी मेरी रूटीन थोड़ी चेंज भी हो गई है और बहुत शेड्यूल सा एक बन गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, एक एक टाइम पर अगर सही समय पर सारा काम हो जाता है ना, तो आपके पास समय की बचत भी होती है और आपका सारा काम टाइम से पहले ख़त्म हो जाता है। ये मेरे साथ 2 दिन से हो रहा है, जो कि मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो बस सुबह सुबह सबसे पहले आपको वेट लॉस जर्नी में अपने एक गिलास गरम पानी लेना है। हो सके तो आप इसमें लेमन ऐड कर दो, या फिर एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर दो, या जीरा वाटर ले लो। मैंने बहुत सारी ड्रिंक रेसिपी सब कुछ बताई है, आपको जो सूट करे आप वो ले लो, या फिर ये वेट लॉस चूरा ले लो, आपको सब कुछ उतना ही फायदा करेगा। लेकिन जो भी चीज़ें लेना आप रेगुलर लेना, छोड़ना मत। ऐसा नहीं है कि बीच में गैप कर करके मत लेना। तो चलो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको, अब मैं सीधा मिलूंगा आपसे बाबू को छोड़ के आने के बाद। बाय बाय। सो फाइनली बाबू को स्कूल छोड़ के आज भी आ गई हूँ, और आज उसका दूसरा दिन है। आज भी बिल्कुल भी नहीं रोया, एकदम इजीली गया, खुद से गया, ऐसा कुछ नहीं, मुझे जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी कि नहीं चलो चलो चलो, ना जगाने में कोई परेशानी हुई, तैयार भी खुद से अच्छे से हुआ, गया भी और बिल्कुल भी नहीं रोया। वहाँ जाने के बाद मुझे खुद से बोला बाय मम्मा, सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही उसको स्कूल भेजने में। अगर वो रोता तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती, बट वो बिल्कुल भी नहीं रोया। लेकिन वो तो स्कूल जाने लगे, लेकिन ये देखो सिर्फ उनके जाने से तो ये हाल हो रहा है किचन का, बाकी लोगों को तो आज छुट्टी है। देखो उनको एप्पल कट करके दिया, ये थोड़ा सा बनाया था खाने के लिए, उन्होंने खाया ही नहीं। ये सब देखो किचन का हाल देख सकते हो मेरा कितना ज़्यादा गंदा है, पूरा घर का हाल दिखाते हुए।
सो गाइस बहुत सारा काम है, 9 बज रहे हैं अभी और 11 बजे तक मुझे खाना पीना नाश्ता घर की क्लीनिंग सब कुछ क्लियर करनी है। तो चलिए लगते हैं फटाफट काम में और आज आपके साथ मस्त मस्त एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ और क्या बोलती हूँ वो हाँ अपना टमी के डर से। तो चलो आज से सुबह की शुरुआत हो गई है, वीडियो में बने रहना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बन जाते हैं रानी लक्ष्मी बाई और निपटाते हैं सारा काम। और स्कूल से छोड़ के आने के बाद सीधा लग जाती हूँ किचन की क्लीनिंग में और पूरा घर गंदा पड़ा है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। और काम का स्पीड तो इतना ज़्यादा होता है कि पूछो ही मत। ऐसा लगता है कि अगर फास्टम फास्ट काम नहीं किए तो काम सब ऐसे ही पड़ा रह जाएगा और थोड़ा सा भी अगर आप अपनी डेली रूटीन में लेट करते हो ना तो फिर आपका पूरा का पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। पूरा दिन ऐसा लगता है सिर्फ काम 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 और फिर ना ही आप टाइम से एक्सरसाइज कर पाओगे, ना ही आप टाइम से ब्रेकफास्ट ले पाओगे। तो वेट गेन का एक ये बहुत बड़ा रीज़न होता है गाइस कि आप टाइम टू टाइम नाश्ता नहीं लेते हो तो वो डाइजेस्ट होने का उसको समय नहीं मिलता है जिसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को अगर आप प्रॉपर टाइम पे करना सीख जाओगे ना तो वेट लॉस बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने काम को समय से करोगे तो हर एक डाइट को आप समय से लेना स्टार्ट कर दोगे। और प्रॉपर डाइट जैसे कि आपको अलग से कुछ नहीं लेना है, घर का ही खाना पीना, बट आप टाइमली सब कुछ लोगे ना तो वो वेट लॉस आसानी से होगा और बॉडी को आपको उसकी आदत सी बनेगी कि हाँ इस टाइम पर आपने गर्म पानी लिया, फिर चूरन लिया, फिर आपने ये ब्रेकफास्ट किया, फिर आपने लंच में ये लिया। तो प्रॉपर एक टाइम देना चाहिए अपने शेड्यूल को। और अगर स्कूल, अभी तो मेरा बाबू स्कूल जाने लगा तो ये चीज़ें मेरे लिए और भी अच्छी हो गई, मैं और टाइम टेबल से मेरा और मेंटेन हो गया। पहले थोड़ा सा मेरा भी इधर उधर हो जाता था लेकिन अभी बिल्कुल सही हो गया। मतलब 11 बजते बजते मेरा टोटल काम ख़त्म हो जाता है और 11 बजने के अंदर में ही मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, पहले 1-2 भी हो जाता था लेकिन नहीं, अभी मेरा 11 बजे तक ब्रेकफास्ट हो जाता है। और जब भी मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ही लेती हूँ। सो ये देख सकते हो मेरा अपना किचन क्लीन कर लिया मैंने, एक एरिया मेरा पूरा का पूरा क्लीन हो गया। और फ्रेंड्स देखो, समय अगर आपको बचाना है ना तो आपको दिमाग लगाना होगा आपको कैसे अपने समय को बचाना है। तो देखो एक यहाँ पे ना मैं दाल वगैरह चढ़ा देती हूँ कि दाल चढ़ने में और चावल बनने में आपको खड़े होकर तो नहीं बनाना है ना, इसके लिए सब्जी तो है नहीं कि आपको इसने फ्राई करनी है। तो यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ और मैं तुअर और मूंग की दाल दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। तुअर यानी कि अरहर दाल, अरहर दाल को मैं मिक्स करती हूँ और इसमें मैंने डाला टमाटर, धनिया की पत्ती और एक मिर्ची, हल्दी, नमक और तेल। सभी लोग शायद ऐसे ही दाल बनाते होंगे, सिंपल दाल है ये। तो बस फटाफट से एक तरफ मैं दाल चढ़ा दूंगी और एक तरफ पतीले में बना दूंगी चावल। चावल अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो कभी भी कुकर में ना बनाइए, कुकर के चावल से फैट लॉस नहीं होता है, ठीक है, फैट गेन होता है। इसलिए मैं हमेशा कुकर में नहीं बनाती हूँ चावल, पहले मैं भी बनाती हूँ। और एक तरफ लगा दिया मैंने टीवी में भजन और फिर लग गई अपने काम में। तो इस तरीके से अगर आप टाइम टेबल को अपने मैनेज करके चलोगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सारा काम हो जाएगा और अपने लिए आप अच्छा खासा समय दे दोगे, ठीक है। फिर मैंने किया इस एरिया को क्लीन, हॉल को, और आज इनकी भी छुट्टी थी तो इन्होंने भी थोड़ी मदद करा दी। ये मुझे ना सबसे अपना एक काम में क्या अच्छा नहीं लगता करना, वो जो बेड का नेट होता ना वो मुझे हटाने का बिल्कुल मन नहीं करता, पता नहीं क्यों, बाकी सारा काम तो मैं कर ही लेती हूँ। तो देख सकते हो ईजिली फटाफट सारा काम हो गया। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया था तो मैंने सोचा कि पहले नाश्ता बना लेती हूँ और उसके बाद ही जाऊँगी नहाने के लिए ताकि जिनको नाश्ता करना होगा वो कर सकते हैं। सो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पोहा और प्याज वगैरह देखो कट कर लिया। फ्रेंड्स मेरा दाल बन गया, चावल भी बन गया और इधर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और अभी बाबू स्कूल से भी नहीं आया यानी कि 11 भी नहीं बजा है, इससे पहले मेरा इतना सारा काम हो गया, घर भी पूरा क्लीन हो गया, ठीक है। तो अब 11 बजे के बाद में जितनी मर्जी करे मैं वर्कआउट कर सकती हूँ। सो मेरे पास पूरा का पूरा टाइम है, ठीक है। तो वही मैं बोलती हूँ कि टाइम टेबल को अगर आप अपने अच्छे से शेड्यूल में बनाओगे तभी आपका पूरा काम अच्छे से होगा और आपके पास समय की बचत भी होगी। जो लोग बोल देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, तो ये एक उनके लिए बहाना है। हाँ हम थक जाते हैं अगर ये जितना मैं काम करती हूँ ना सुबह से लेकर शाम तक और बेड पे जाती हूँ तो पूरी की पूरी बिल्कुल थक जाती हूँ, ऐसा नींद आता है ना कि मतलब मैं बेड पे जाती हूँ और फटाक से मुझे नींद आ जाती है। तो पूरी बॉडी को अपने थकाओ जितना हो सके, इससे भी आपका वेट लॉस अच्छा खासा होता है। और मैं अपने घर का प्रॉपर पूरा काम मैं खुद करती हूँ, कोई मेड नहीं लगाया है मैंने अभी, कोई भी मेड नहीं है, सब कुछ मैं खुद ही से करती हूँ।
और इधर मेरा पोहा बनके तैयार हो गया है। और अभी मैं नाश्ता नहीं करूँगी गाइज़, मैं नहाने के बाद ही करूँगी, क्योंकि घर का इतना काम करने के बाद इतनी गर्मी लगने लगती है कि फिर बिना फ्रेश हुए कुछ खाने का मन नहीं करता। तो यहाँ बना दिया मैंने पोहा और फिर इसको मैंने ढक दिया और मैं चली गई नहाने। बाबू के कुछ कपड़े हैं छोटे छोटे या कुछ भी, मैं ज़्यादातर अपने हाथ से ही कपड़े को वॉश करती हूँ, ठीक है। तो एवरीवन, नहा के मैं आ गई और आज 11:05 हो रहा है और बाबू को लेने के लिए उसके पापा ही गए क्योंकि आज वो घर ही पे थे। तो फिर मैंने बोला कि जाओ अपने, तो फिर लेकर आने में 10 मिनट निकल जाता है तो और भी काम में टाइम चला जाता है, तो वही उसको लेने के लिए गए हैं। और मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद से मुझे नाश्ता करना है। नारियल पानी तो मैंने पी लिया हुआ है लेकिन फिर भी अब भूख लग रही है धीरे धीरे, और पोहा वगैरह बना दिया है, खाना में भी एटलीस्ट सब कुछ बना ही दिया है, सिर्फ भुजिया भी बनाना बाकी है, तो बनाएंगे उसके सोने के बाद, क्योंकि लंच इतनी जल्दी कोई नहीं करता, सबका ब्रेकफास्ट ही पहले होता है। सो चलो चलते हैं पहले पूजा करने के लिए, उसके बाद मिलते हैं कि क्या करना है। ओके सो फ्रेंड्स, पूजा पाठ मैंने कर लिया। मैं पूजा करते टाइम वीडियो नहीं बनाती हूँ, उसके बाद मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया, क्योंकि या तो आप वीडियो बनाओगे या तो आप पूजा करोगे, तो कभी भी पूजा करते वक्त की वीडियो मैं नहीं शेयर करती हूँ, हमेशा पूजा करने के बाद ही मतलब क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ बस। और शायद लगता है इन लोगों ने नाश्ता कर लिया, पोहा थोड़ा सा ही बचा है, 2 प्लेट में लगाना है, एक जनों ने खा लिया और एक तरफ बैठा दिया मैंने चाय। और ये देख सकते हो लग गया हमारा नाश्ता, और नाश्ते के ऊपर ये थोड़ी सी है सेव भुजिया, वो मैं डाल दे रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और नींबू भी डालूँगी। और 1 कप हो गई है चाय तैयार, 1 है चाय गुड़ वाली और 1 है चाय चीनी वाली। और जब मैं चाय बनाती हूँ तो सबसे पहले इनके लिए चाय निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं गुड़ ऐड करती हूँ। और गुड़ की चाय कैसे बनाना है मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता रखी है, तो आप जाके देख सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमसे गुड़ वाली चाय फट जाती है, सो फ्रेंड्स जाइए और चेक कीजिए गुड़ वाली चाय बनाने की कैसे बनाते हैं, उससे नहीं फटती है। और ये मिस्टर आ गए हैं स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद इनका ड्रेस खुलता है पूरे आधा 1 घंटे के बाद, इनको ड्रेस नहीं खोलना होता है अपना। और साइकिल चाहिए, पूरे दिन साइकिल चलाइए, इन्होंने घर को ही अपना फील्ड बना लिया है, पूरे दिन साइकिल भगाते रहता है, खाना भी एटलीस्ट इसी पे खाता है, सो इसकी साइकिल चलती रहती है। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, देखो ये अभी टाइम हो रहा है 11:15 का, तो प्रॉपर मैं अपने टाइम पे नाश्ता ले लेती हूँ और मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 16 घंटे का उपवास। और वेट लॉस जर्नी के लिए तो आपको 16 घंटे का उपवास यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ही अच्छा है, सो सभी लोगों को करना चाहिए इंटरमीडिएट फास्टिंग। जिन लोगों से डेली नहीं होता है ना फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अल्टरनेट करके भी कर सकते हो, ठीक है। और मैंने किया ब्रेकफास्ट, और अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने बाबू को भी खाना खिलाया, क्योंकि ये स्कूल से आता है ना तो ये तुरंत सो जाता है, फिर मैं अगर इसको नहीं खिलाऊंगी तो ये ऐसे ही सो जाएगा, इसलिए मैं सबसे पहले इसे भी खिला लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ। सो गाइज, एक हाउसवाइफ को बहुत काम होते हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते, उनको लगता है घर में रहने वाले लोग क्या ही करते हैं, लेकिन बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है गाइज। सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा होता है। सो हमारे लिए ये डेली ब्लॉग बनाना बहुत टफ है, बट फिर भी हम करते हैं गाइज। सो आप लोग भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए और कभी हार नहीं मानिए, ठीक है। और चलिए करते हैं आज की बेस्ट एंड बेस्ट एक्सरसाइज, और ये रहा मेरा टमी कटर जो आपने देख रखे हो, साइड में पड़ा हुआ है, और पहले भी मैंने अपनी वीडियो में दिखाई है टमी कटर, कि अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी ये मैंने कहाँ से लिया है, कितने में लिया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ों का आप बहुत अच्छा से ध्यान रखोगे कि एक्सरसाइज करने से पहले आप अपनी बॉडी को पूरा वार्म अप करोगे, जब अपनी बॉडी को आप वार्म अप कर लेते हो तो बॉडी आपकी एक्सरसाइज करने के लिए एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो टमी कटर एक्सरसाइज का ये है एक्सरसाइज 1। ये एक्सरसाइज करने से आपका आर्म फैट और ब्रेस्ट फैट दोनों ही कम होता है, ठीक है। तो एक बार में आपको 20 टाइम्स करने हैं, ठीक है, मतलब आप 3-3 सेट लगा के एक एक्सरसाइज को करोगे। मैं टमी कटर से 3 एक्सरसाइज करती हूँ, तो 3 एक्सरसाइज करने का मतलब एक एक्सरसाइज को हमने 20 सेट में करना है, और यानी कि एक एक्सरसाइज हमारा 60 बार हो गया, 60 60 120, यानी कि पूरा हमें इस टमी कटर एक्सरसाइज को आधे घंटे यूज़ करने हैं। देखो, एक्सरसाइज तब तक करनी चाहिए जब तक कि फेस से पूरा पसीना आना आने लगे, जब तक पसीना नहीं आता है तो वो रियल में एक्सरसाइज कम्प्लीट नहीं होता है। तो ये टमी कटर बेली फैट के लिए इतना अच्छा है कि पूरी बॉडी पर आपको बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ता है, और इस देखो जैसे मैं झुक रही हूँ ना और फिर उठ रही हूँ, तो प्रॉपर आपको स्प्रिंग की मदद से नहीं उठना है, आप अपनी बॉडी को जोर दोगे, पीछे की तरफ पुश करोगे, इस तरीके से उठोगे। तो ये हमारा दूसरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ,
और ये रहा हमारा थर्ड एक्सरसाइज जो कि लेग्स के लिए है, जिनके थाई फैट होते हैं, लेग्स के भी फैट बहुत होते हैं और इससे थाई फैट भी कम होता है और बेली फैट भी कम होता है। तो इस टमी कटर को आप ज़रूर मंगाइएगा अगर आपका बेली फैट है तो। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। तो देखा मैंने एक्सरसाइज भी कर लिया और ये एक्सरसाइज मैंने करी थी ब्रेकफास्ट करने के बाद, और एक्सरसाइज करने के बाद मैं पी थी 1 कप जीरा वाटर, जो कि मैं आप लोगों के साथ नहीं दिखा पाई, हर क्लिप में याद भी नहीं आता है फ्रेंड्स याद रिकॉर्ड करने का। सो मैंने दाल चावल तो बना दिया था और अब लंच करेंगे। लंच करीब मैं 1:30 से 2 बजे के करीब में करती हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपको हैवी लंच करना है तो आप 1 से 1:30 के बीच में कर लो, अगर आपको चावल खाना है तो, और रोटी खाना है तो फिर 2-2:30 बजे भी आप खा सकते हो। तो यहाँ लगा दिया मैंने दाल में तड़का और रेडी कर ली अपनी भिंडी की भुजिया, और यही है आज हमारा लंच। तो देखो जो लोग समझते हैं कि चावल खाने से वेट बढ़ जाता है, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको चावल खाना है, मैंने बहुत बार बताया अपनी वीडियो में कि आप दोपहर के समय में ही चावल खाइएगा, इससे ये डाइजेस्ट हो जाता है। और खाना खाने के आधे घंटे के बाद, आप लंच करने के आधे घंटे के बाद ग्रीन टी ज़रूर पीजिएगा या 1 घंटे के बाद। और कोशिश कीजिएगा, अभी तो विंटर सीज़न चल रहा है तो आप गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, और गुनगुना पीने से, पानी पीने से होता क्या है कि हमारा पूरा खाना डाइजेस्ट होता है और वेट लॉस में काफ़ी हद तक मदद मिलता है। सो आप गर्म पानी की हैबिट डालिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिनको वेट लॉस करना है, जो सीरियस है उनके लिए बता रही हूँ। और ये रही मेरी थाली यमी सी, दाल चावल भिंडी की भुजिया, और ये है आम का अचार जो कि गाँव का है, मम्मी ने भेजा है, बहुत ही यमी यमी लगती है। सो लेकर आ गई मैं अपना लंच और यहाँ पे मैं फिनिश कर रही हूँ। और मुझे ना नीचे बैठ के खाना खाने की आदत है गाइस, और ये भी अभी तक जगह है और मैं खाना खाऊंगी और इसको भी, और खुद अब जाऊंगी सोने के लिए क्योंकि मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ सुबह जगने के बाद, और इतना काम करने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता अब जगने का। तो अभी मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो सोऊंगी ही, और मेरे साथ बाबू भी सोएगा। और चावल जब भी खाइए या रोटी खाइए, आप 32 बार को अच्छे से चबा चबा कर खाइए, तो इस फॉर्मूले को आपको हमने हमेशा याद रखना है, ठीक है। और ये है इवनिंग टाइम, सो के जगने के बाद मैं आ गई थी मार्केट क्योंकि सब्जी कुछ भी नहीं था और नाइट ड्यूटी के लिए मुझे सब्जी बनानी थी, तो मैं आ गई थी सब्जी लेने के लिए, गोभी लिया, टमाटर लिया, और मुझे भी अपने लिए डिनर बनाना है रात का, तो इसके लिए भी कुछ भी सब्जी नहीं थी, सो इसीलिए मैं लेने के लिए चली आई। और फ्रेंड्स ये मैं तैयार कर रही हूँ अपने लिए रात का डिनर। तो रात के डिनर में मैं क्या बना रही हूँ आप अच्छे से देखो, बहुत सारी सब्जियों को मैंने किया है कट, बीन्स है, गाजर है, प्याज है, आलू है, टमाटर है, तो सबको कट कर लिया है। और 2 से 3 चम्मच है दलिया और लपसी जिसको बोलते हैं, और 2 से 3 चम्मच है मूंग दाल, इसकी मैं बनाऊंगी खिचड़ी। और विंटर सीजन है तो आप लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ये गर्म होती है। और इसमें डाला मैंने 2 चम्मच घी और सारी सब्जियों को कर दिया था मैंने ग्रेट, और फिर से इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई आपको ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ही हल्का सा करना है, सब्जियों का टेस्ट नहीं जाना चाहिए, सब्जियों से विटामिन नहीं जानी चाहिए, बस इतना ही हमने फ्राई करनी चाहिए, ठीक है। तो बस इसमें पानी ऐड कर दिया, हल्दी, नमक, सीटी लगा दिया, बन के तैयार हो गई मेरी यम्मी सी खिचड़ी। और यही मैं रात को खाती हूँ इस टाइप का। अगर आपको रात को डिनर लेना है तो आप लिक्विड डिनर लेना, लिक्विड खाना खाने से होता है क्या है, बहुत अच्छे से पच जाता है। और रात को आपको हमेशा ही हल्का खाना खाना है, हमेशा, कभी भी आपको हैवी खाना नहीं खाना है, और हो सके तो रोटी भी रात के समय में आप स्किप कर दो। सो फाइनली मैंने रात का डिनर कम्प्लीट कर लिया और अभी टाइम हो रहा है 8 बज चुका है लगभग, हाँ। तो मेरा डिनर फिनिश हो चुका है और बाबू सो गया, और मैं जाऊंगी अभी वॉकिंग करने के लिए नीचे। तब तक सोच रही हूँ कि रात का बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँ, और जिन लोगों को खाना होगा वो तो खा लेंगे, सिर्फ 1-2 थाली ही जूठे में रह जाएगी, क्योंकि फिर जैसे ही वॉकिंग करके नीचे से आती हूँ ना तो फिर मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है, तो जा रही हूँ किचन का काम कम्प्लीट कर लेने। और मैंने रात के डिनर में खाया आज दलिया, और देखा बहुत ही यमी लगता है दलिया। तो इस टाइप का डिनर आप रात को ले सकते हो, ठीक है। जो लोग अभी अपनी वेट लॉस जर्नी को अभी स्टार्ट कर रहे हो, जो बिगनर हैं, तो कृपया करके इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि उनको रात को 7 बजे से पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लेना है। अभी मेरा 8 बजे भी चलता है, और लेकिन जिन लोगों ने भी अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करी है ना, तो वो इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। और आपको जैसे चावल ये सब चीज़ें खाना होगा, हेवी खाना, तो हेवी खाना आप दोपहर में खा सकते हो, क्योंकि दोपहर में हेवी खाना खाने से एक चीज़ होता है कि आप अपने मन को भी नहीं मारते हो, जो आपको इच्छा करता है वो खा भी लेते हैं, और उससे डाइजेस्ट करने के लिए कुछ समय भी मिल जाता है।
सो कभी भी हेवी खाना खाना चाहिए तो लंच के टाइम में लेना चाहिए, और वो भी लंच हमें 1 बजे तक ले लेना चाहिए, तभी उसे डाइजेस्ट हम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ब्रेकफास्ट में आप एक हेल्दी चीज़ें लो, ऑयली चीज़ें बिल्कुल मत लेना, ऑयली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए ब्रेकफास्ट में, क्योंकि सुबह खाली खाली पेट होता है और सडनली ऑयली ऑयली चीज़ें खाते हैं तो फिर हमारे पेट को वो नुकसान करती है। तो कभी भी अगर आपको कुछ अनहेल्दी या हेल्दी कुछ हेवी खाने का मन करे, क्योंकि हम हमेशा एक जैसा तो खाना खा नहीं सकते, बोरिंग सा, तो कभी भी हेल्दी अनहेल्दी जो भी आपको मन करे तो वो आप दोपहर के समय में ही लेंगे, कभी भी रात के डिनर में नहीं लेंगे, स्नैक्स में नहीं लेंगे, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे। शाम को अगर आप अनहेल्दी चीज़ें खा लोगे या हेवी चीज़ें खा लोगे तो फिर आप डिनर नहीं कंप्लीट कर पाओगे, इसीलिए आप डिनर लेना, स्नैक्स में हमेशा हल्की फुल्की चीज़ें लेना, और रात का डिनर हमेशा 7 बजे तक लेना है आपको। और डिनर में हो सके तो आप नमक को स्किप कर दो, अगर तो वो बहुत ज़्यादा वेट लॉस करता है आपका, ठीक है। तो बस यही कुछ टिप्स होते हैं वेट लॉस जर्नी के, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता है गाइस, घर का ही खाना पीना हम खाते हैं, बस चीज़ों को थोड़ा फॉलो कर लेते हैं तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ के लाइट चश्मा से ना चमक रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं तो चलती हूँ, अपना बर्तन वर्तन धोऊंगी, उसके बाद वॉकिंग करने नीचे जाऊँगी, तो वॉकिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। बाबू भी सो गया, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है, इससे पापा घर ही पे हैं। चलो तो रात का डिनर मेरा तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन जिन लोगों ने अभी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी है तो वो कृपया करके 7 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर दो। ओके भाई। सो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं वॉकिंग करने के लिए, और डेली वीडियो इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ ना कि हमेशा कोई ना कोई नीचे बैठा ही रहता है, बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, तो फिर हमेशा ऐसे कैमरे को ऑन करना और सबके सामने वॉकिंग करना मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, इसकी वजह से मैं डेली वॉकिंग वीडियो नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ, ठीक है। बाकी मैं वॉकिंग डेली करती हूँ क्योंकि हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, हमें अपने घर में ही वॉकिंग कर लेना होता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का मेरा पूरा रूटीन यहीं पर ख़त्म होता है। आपको मेरी डेली रूटीन कैसी लगती है, मैं जो आपको वीडियो शेयर करती हूँ कैसी लगती है, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ये आपका डेली रूटीन आपको कैसा लगा, टमी कटर एक्सरसाइज कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आ गई हूँ ऊपर, और चलिए फ्रेंड्स करती हूँ वीडियो का यहीं पे एंड। बाबू भी सो गया है और अब मैं जाऊँगी, गर्म पानी पीऊँगी और सीधा जाऊँगी बेड पे। कल मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय बाय। और हाँ, अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।